बताना चाहिए था ना। हाय हाय रिया, ये अमर है, मेरा फ्रेंड है। हाय, जर्नलिस्ट है, कॉलेज में मेरा सीनियर था, अभी बैंगलोर में प्रैक्टिस कर रहा है। अमर, ये रिया है, मेरी फ्रेंड है। हाय रिया, हम जरा बाहर घूम कर आए, थोड़ी सी बात भी करनी है तुमसे। हाँ ठीक है, ओके। रिया मैं जाकर आती हूँ, चलो। इस तरफ से। अच्छा, इस तरफ से। हाँ। उलम उलम के बारे में मैंने ढेर सारी कहानियां सुनी है। यहाँ एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस था और वहां पर जाली नोट छापने का काम चलता था। यहाँ काला धंधा हो रहा है ऐसा लोग बोलते रहते थे। कोई बात नहीं, हम अपने स्टाइल में छानबीन शुरू करेंगे। इस गुलम उलम के बारे में जो बहुत ही अच्छे से जानता हो ऐसा एक कॉन्टेक्ट हमें चाहिए। ओके। अगर आपने हमें अपना पूरा सहयोग दिया तो इस केस को हम आसानी से सुलझा सकते हैं। जरूर सर, इस केस के सिलसिले में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस तरह की हेरा फेरी जिसने भी की है उसका पता लगाना है। वैसे सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जब यह घटना हुई थी तब आप कितने बजे घर पहुंचे थे? उस दिन शाम को जब मैं घर आया था तो यही कुछ 10:30 बज रहे होंगे सर। रोज की तरह मैं आना वाना खा के टीवी देख रहा था सर, उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। आपका और कोई बिजनेस है क्या? मेरा एक छोटा सा रियल एस्टेट बिजनेस है सर। बेटी की शादी के लिए खरीदा हुआ सोना चोरी हो गया, राइट? हाँ सर। क्या आपको किसी पर शक है? वैसे खास किसी के ऊपर शक नहीं है, फिर भी इसके पीछे कौन है उसका पता लगाना जरूरी है। नोट कर लो, नाम क्या है? रजिया। रजिया जी, जो सोने का बक्सा चोरी हुआ है आखिरी बार उसे आप ही ने देखा था? हाँ सर, मैंने ही उसे अलमारी में रखा था। सोना चोरी हो गया इस बात की खबर देने वाली आप ही है ना? हाँ सर। क्या आपको किसी पर शक है? वैसे कहूँ तो सर खास किसी के ऊपर नहीं है। जिस दिन घटना हुई उस दिन आपके पति घर कब पहुंचे? वो उस दिन 10:30 के बीच आए होंगे। उस दिन क्या हुआ था ये मुझे याद करके बताइए। वो क्या है कि उस दिन सुनो, तुम ना हमेशा मोबाइल में ही घुसी रहो, कुछ भी काम मत करो। ऐसे लोगों को कैसे समझाऊं? ओके, अब जा सकते हैं। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। नाम क्या है? सर शाहिद। शाहिद। हाँ। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन तुम कितने बजे घर आए थे? सर उस दिन मैं थोड़ा घर लेट ही पहुंचा था। लेट होने की वजह? सर उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था सर। शाहिद, तुम उस दिन कितने बजे सोने गए थे? सर 11:30 बजे के बीच सोने गया था सर, और सोने से पहले गेम खेलता हूँ सर। शाहिद, तुम्हारे दोस्त कौन कौन है? सर वैसे ज्यादा मेरे दोस्त नहीं है, यही कुछ 3-4 ही हैं सर। जाओ तुम। ओके सर। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन शाहिद कितने बजे सोने गया था? यही कुछ 11 बजे गए होंगे। वो 12 बजे सोता है ऐसा बोला था उसने। वही सर। तब तक तुम क्या कर रही थी? मैं बस थोड़ी देर फोन पर लगी हुई थी सर। ओके। उस दिन तुमने आसपास कोई अजीब सी आवाज सुनी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तुम किसी से प्यार करती थी ना? नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, उसी ने कहा है तुम्हारे बारे में ये। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके।
अच्छा अरे अरे बच्ची है अरे रुको रुको क्या हो गया उठाओ इसे भैया आप यहीं ठीक है सर मेरी बच्ची देखिए बच्ची को कुछ नहीं हुआ है बस थोड़ा सा खरोच आया है फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है कल सुबह होते ही हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे ओके थैंक्स डॉक्टर ठीक है ओके थैंक यू आप जैसे लोग ही इनके जैसे लोगों को बर्बाद करते हैं वो क्या है ना सर अरे क्या सर वहां जाके लाइसेंस लो और निकलो ओके सर जाओ 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 हेलो हाँ सुनिए मिस्टर भारत सर देखिए आपके थाने में जो भी चोरी का केस आया है वो सारी केस की फाइल कल सुबह तक मेरे ऑफिस में होनी चाहिए ओके सर ओके सर आओ बेटी नमस्ते बैठ जाओ यार अरे कोई बात नहीं अब इसे कैसा लग रहा है दवा दे दी है अभी डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर आपका घर कहाँ पर है नहीं मेरा कोई भी घर नहीं है जहाँ भी जगह मिलती है मैं रुक जाता हूँ वहीं पे इसके साथ तो फिर काम पहले मैं पेट पालने के लिए जादू दिखाता था अभी उम्र हो गई तो काम छोड़ दिया और आपके बच्चे कहाँ हैं वैसे एक बेटा था मेरा वो कहाँ है पता नहीं वो बड़ी कहानी है मेरा एक बेटा तो है पर बेटा कहाँ है वो पता नहीं मुझे नसीब ने भी जादू किया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जब लड़का पैदा हुआ था तब मैंने उसे बचपन में देखा था उसके बाद वो कहाँ गायब हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं उस बारे में कई साल पहले सुबह सुबह चाय पीकर जब मैं घर लौट रहा तो रास्ते में गर्भवती महिला दिखी एकदम बेसहारा थी उसकी हालत देखकर मैं उसे लेकर अस्पताल चला गया अस्पताल में बच्चा पैदा करते वक्त उसे बहुत परेशानियों से जूझना पड़ा उसने एक बेटे को जन्म तो दिया लेकिन वो नहीं बच पाई फिर मैंने उस बच्चे को मेरे साथ ही रखा
स्कूल से उसे कोई लगाव नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ जादू के खेल दिखाने लेकर जाता था। वहां मुझे जादू करते हुए देखकर वो भी वो सारे जादू सीख गया। ये जादू वादू कुछ नहीं है, सिर्फ माया माया जाल है। देख लो, सब लोग देख लो। ये लो ओम। उसे एक दिन मैंने किसी की जेब से पैसे चुराते हुए पकड़ लिया। उस रात को मैंने उसे बहुत मारा। उसी रात वो शायद कहीं चला गया, मुझे अकेला छोड़कर चला। उस लड़के को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। ये बच्ची इसके माँ बाप के सर पर कर्जा ज्यादा हो गया था, इसलिए आत्महत्या की उन्होंने। ये बच गई। इस बुढ़ापे में अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो ये बच्ची ही मेरा सहारा है, और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब से आप यहाँ वहां नहीं भटकेंगे। हमारी पहचान में एक ऑर्फनेज है, वहां के फादर से हमने बात कर ली है। इस बच्ची को लेकर आप वहीं चले जाइए और वहीं पर रहिए। बातों में हमने आपका नाम तक नहीं पूछा। लोग मुझे अली कहकर बुलाते हैं। जो करीबी है वो अली भाई कहकर बुलाते हैं। जिसे जो पसंद है बुलाता है। संभल कर अमर। मैं जाकर फादर से मिलकर आती हूँ, तुम इन्हें अंदर लेकर आ जाना। दरअसल वो मुस्लिम है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। इधर देखिए, यहाँ पर दिल में अच्छी भावनाएं रखने वाले कुछ अच्छे इंसान हैं। चलिए, इंसान को बचाने के लिए ही हमने मजहब बनाया, लेकिन आज देखिए यही इंसान मजहब को लेकर आज आपस में लड़ रहे हैं। क्यों, सही कहा ना, है कि नहीं? हाँ। चलिए आइए। हाय। ये यहीं पर रहकर सबको संभालते हैं। इनका खेल और तमाशा मुझे भी हंसाकर जिंदगी जीने का एक मतलब देता है, और लोगों को भी। आप जो सब यहाँ देख रहे हैं, इन सब के पीछे और इन सभी को नई जिंदगी देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के बारे में आपको बता रही थी। हेलो, इनसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इनके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनको देखने के लिए ही हम सब यहाँ पर हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? फातिमा। हाँ फादर, आपका काम बहुत ही नेक है, कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका।
ए, आंखें खोल। ए, सुन, इज्जत से उस सोने को हम जहां कहेंगे वहां पहुंचा दो, तो ही तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा और जो मांगोगे मिलेगा। हेलो, हम लोगों ने वो काम पूरा कर दिया है। हम दोनों उसे लेकर के आएंगे और काम को अच्छे से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है, ओके ओके। ए, भाई को बुलाओ जल्दी। हेलो, बोलो। भाई जैसा बोला था हो गया? हाँ, मुझे वो लोग जिंदा चाहिए। सोना पैसा ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मुझे तो बस वो लोग जिंदा चाहिए, समझे? भाई कल सुबह पहुँच जाएंगे। मैं अभी आता हूँ, वहाँ आकर अभी उठाता हूँ। काम हो जाएगा भाई, आपको आने की जरूरत नहीं है। उनको पता चलना चाहिए उन लोगों ने किस पर हाथ डाला। ठीक है भाई। हाँ लक्ष्मी, बोलो। अमर, कहाँ पहुँचे तुम? अच्छा, हमें किसी काम से टाउन जाना होगा, तो मेरे साथ आ सकते हो? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ। अरे रुको रुको रुको, उस तरफ। अरे लेकिन क्यों, उनका पीछा करना है। अरे चलो ना, वहाँ क्यों चलो, तो बोल रही हूँ। ठीक है। ये वही आदमी है, पक्का बता? हाँ पक्का। तो पुलिस को फोन करो, चलो। अभी करूँ? हाँ। हेलो पुलिस स्टेशन, कौन है, क्या है, कौन जानता है? चलो हम जाकर देखते हैं, गाड़ी निकालो, चलो। इस तरफ। इस तरफ, ओके। जल्दी चलाओ ना। चला तो रहा हूँ। उसे मारो, बैग लेके आओ। ए, उसे मारो और बैग लेकर आओ। मैं मुझे धोखा देकर निकलने की सोच रहा था, तू अब क्या हुआ? सारी हेकड़ी निकल गई ना तेरी, अब कहां जाएगा तू?
संभालो। हाँ, ओके। सबको गाड़ी में डालो। गाड़ी निकालो जल्दी। सर वही आदमी है जिसके बारे में बताया था। सर मुझे लगता है कि उसके बैग में चोरी का सामान है। सर आ जा। सबको गाड़ी में डालो। बाकी की बातें हम पुलिस स्टेशन में करेंगे। हाय। चलो भाई गाड़ी निकालो। हाय। Wonderful performance. This year's In the School annual band competition has come to an end. The results will be announced shortly. Now, I invite the home band team for final performance. Beta. तुमने जैसा बताया था उसके हिसाब से ये लड़का हो सकता है। एक स्कूल के प्रोग्राम में ये फोटो ली थी। देखो वही है। अच्छा इस फोटो की और कॉपी है क्या? और कॉपी तो नहीं है। इसका मैं एक फोटो निकाल सकता हूँ? हाँ ठीक है। ओके थैंक यू। चलता हूँ। ठीक है। अरे तुम यहां कैसे? मैं ऐसे ही नहीं आया हूं। तो फिर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी के पीछे हूं। कॉम्प्लिकेटेड? इस फोटो में जो बच्चा है ये पुरानी फोटो है। हाँ। ये बच्चा यही कुछ 12 साल का होगा। तो इसे तुम्हें एक 30-32 साल उम्र के लड़के की फोटो बनाकर देना है। ये थोड़ा रिस्की है। तुम्हारी बात मेरे समझ में तो आ गई है लेकिन ये कितना वर्कआउट होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये बेकार में वक्त बर्बाद करना है। देखो भाई कितना भी रिस्क हो तुम्हें करके तो देना ही। तो फिर हम थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। तुम बैठो मैं अभी आता हूँ।
थोड़ा और ट्राई करेंगे तो थोड़ा और क्लियर मिल सकता है हमें। अब तक हमने जितना ट्राई किया तकरीबन उससे ये जो चेहरा है वो उस बच्चे से मैच होता है। I'm gonna disobey, yeah. I'm gonna disobey.